हेलो दोस्तों, आज हम लेने वाले हैं 120 वर्ड पर मिनट हिंदी डिक्टेशन। बी रेडी फॉर इट। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, स्टार्ट। परिच्छेद। सौंदर्य, स्नेह तथा संवेदनाओं से भरी प्रकृति कभी कभी रौद्र रूप भी धारण कर लेती है। उसका क्रोध भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। अकाल प्रकृति के क्रोध का ही एक भयंकर रूप है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए अकाल किसी अभिशाप से कम नहीं है। परिच्छेद। वर्षा न होना अकाल का प्रमुख कारण है। कहीं कहीं दो या अधिक साल तक वर्षा नहीं होती। सूर्य के लगातार ताप से धरती की नमी सूख जाती है। नदियां और तालाब भी सूख जाते हैं। कुओं का जलस्तर नीचे चला जाता है। इसी स्थिति में खेतों में बीज बोने का कोई अर्थ नहीं होता। सिंचाई के लिए पानी न मिलने पर खेती की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पेयजल का भी भारी संकट खड़ा हो जाता है। परिच्छेद। अकाल की ऐसी स्थिति बहुत भयंकर होती है। आकाश में बादल तो आते हैं पर वे बरसते नहीं। खाद्यान्नों के दाम आसमान छूने लगते हैं। महंगाई की ज्वाला में झुलसकर लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। गरीबों का जीना मुश्किल हो जाता है। उनके जानवर एवं घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। घास चारे के अभाव से पशु दम तोड़ने लगते हैं। गाँव की चहल पहल वीरानी में बदल जाती है। परिच्छेद। अंग्रेजों के शासन काल में अकाल पीड़ितों का अत्यधिक कष्ट झेलने पड़ते थे, पर अब हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। अकाल पीड़ितों को हर तरह की सहायता दी जाती है। प्रादेशिक सरकारें उन्हें रोजगार और अनाज देती है। केंद्र सरकार उन्हें धन और अन्न मुहैया कराती है। सामाजिक संस्थाएं भी अकाल पीड़ितों की हर तरह से मदद करती है। देशभर के कलाकार अकालग्रस्तों की मदद करने के लिए सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करती है। लोगों को पेयजल की आपूर्ति के लिए टैंकरों का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं नलकूप लगाए जाते हैं। परिच्छेद। आजकल पर्यावरणविद अकाल की रोकथाम करने में लगे हैं। अकाल की स्थिति के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई बहुत हद तक जिम्मेदार है। इसीलिए वृक्षारोपण की प्रवृत्ति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। वनों की कटाई पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नदियों पर विशाल बांध बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों को अधिक गहरा किया जा रहा है। परिच्छेद। अकाल राष्ट्रों की विकास संबंधी योजनाओं का शत्रु है। इसके कारण प्रगति की ओर बढ़ते हुए चरण रुक जाते हैं। इस अकाल के दैत्य से बचने के लिए हमें सबसे पहले प्रभावकारी उपाय करने चाहिए। खुशी की बात है कि अब लोग इस दिशा में जागृत होने लगे हैं। इस प्रकोप को रोकने में विज्ञान सफल नहीं हुआ है। अकाल जैसे संकट के समय में हम पीड़ितों की भरपूर सहायता करें और अपनी मानवता का परिचय दें।